हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने हैं बाजार का दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाजार का शेयर जिसके रिजल्ट हमेशा मायने रखते हैं, उसके रिजल्ट और देखने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन, आपके घर में जो भी अगर आप ग्रॉसरी लेते हैं या फिर मोस्टली सामान हो आपके घर में, 10 में से 4 से 5 सामान ऐसा मतलब स्टफ ऐसी चीज आपके पास होगी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की बनी होगी, तो उसी के रिजल्ट देखने हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट देखने बहुत जरूरी भी है और वो लॉन्ग टर्म का एक बादशाह भी है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अभी मैंने रिसेंटली 2 वीडियो अपलोड करी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। ओके, अगर बात करें यहाँ पर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप और एज वेल एज आपको पता ही है कि हमारा देश अभी कोविड से लड़ रहा है और हमारा देश में सबसे ज्यादा केसेस डेली वाइज आ रहे हैं। ओके, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे आप पीएम केयर, मतलब यहाँ पर जो फंड होता है पीएम केयर फंड, वहाँ पर जाके आप डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ओके, इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पर आप जाइएगा और डोमेस्टिक डोनेशन कैसे करते हैं वहाँ पर क्लिक करिएगा और आप इनकी वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट डोनेट कर सकते हो। और डोनेट करना एक पुण्य का काम भी होता है और बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हमारा देश किस परिस्थिति से लड़ रहा है वो आप सभी को पता ही है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सब हम रिजल्ट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट आपके सामने है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट यहाँ पर किस तरीके से, देखिए आज के मार्केट के टाइम पे ही बहुत सारे रिजल्ट पेश हो गए थे। ओके, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट कंपनियों के आते हुए हमें नज़र आए और उन्होंने मार्केट गिरी हुई थी, ओके, उसी के हिसाब से उन्होंने रिएक्ट कर लिया। बट कल की डेट में मुझे लगता है कि जिन कंपनी के शेयर अच्छे आए हैं वो भागते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 17 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई कंपनी नज़र आई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021। तो ये फाइनल डिविडेंड है, ओके, टुगेदर विद द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 14 पर शेयर। ओके, शेयर विल बी पेड ऑन 12th of November, जो कि यहाँ पर 14 रुपये का डिविडेंड आपको देते हुए नजर आई थी 2020 में। ओके, टोटल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 रुपये का टोटल डिविडेंड इन्होंने 2020 में यहाँ पर दिया है, तो इस चीज़ को आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपको डिविडेंड मिलता हुआ फाइनल डिविडेंड जो आपको मिलेगा 17 रुपये का मिलेगा। तो आइए यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं इनके, यहाँ पर नीचे चलते थोड़े सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है इन करोड़्स में है। ओके, और ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, ये Q4 के रिजल्ट है, ये अगर बात करें, हाँ, या ये मार्च के रिजल्ट है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर 2020, हाँ ये Q3 के रिजल्ट है और ये क्या ये Q4 के रिजल्ट है, ये लास्ट ईयर के रिजल्ट है और ये इस बार के रिजल्ट हमें नज़र आते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है तो आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी क्या बिजनेस में काम करती है, तो उससे जो उनका बिजनेस होता है वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेन बिजनेस होता है, उसे ही काउंट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट FMCG के प्रोडक्ट्स बनाती हुई कंपनी नज़र आती है, तो उससे इनका क्या उनका रेवेन्यू होता है, क्या उनसे आय होती है वो उस देखते हैं। तो इस बार की अगर हम आय देखते हैं तो 11,947 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नजर आया है। Q4 के लास्ट ईयर की बात करें तो 8,885 करोड़ था और अभी की बात करें तो 11,682 करोड़ रुपए का Q3 में यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नजर आया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो जंप है ही है, बट ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर अच्छी खासी जंप है, जो कि काफी अच्छी बात है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि कंपनी इज डूइंग अ ग्रेट बिजनेस, एज वेल एज अदर इनकम यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। तो अगर टोटल इनकम बात करते हैं तो इस बार की जो इनकम है, टोटल इनकम 12,241 करोड़ है और लास्ट Q4 की रिजल्ट की जो इनकम थी यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,977 यहाँ पर देख सकते हैं करोड़ थी, और अभी अगर बात करें Q3 की तो 11,959 करोड़ रुपए यहाँ पर टोटल इनकम नज़र आई थी। तो ईयरली बेसिस भी और क्वार्टरली बेसिस भी टोटल इनकम में यहाँ पर अच्छे खासा यहाँ पर बढ़त है। एज वेल एज एक्सपेंस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंस कितने टोटल एक्सपेंस हैं यहाँ देख सकते हैं, तो अभी के जो एक्सपेंस
एक्सपेंस है 9,433 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए नजर आए हैं। 7,227 करोड़ रुपए के एक्सपेंस यहाँ पर Q4 लास्ट ईयर थे, और Q3 की बात करें इस साल की तो 9,321 करोड़ रुपए के यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ इस तरीके से नज़र हमें आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ईयरली बेसिस, तो अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर एक्सपेंस में जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस ईयरली बेसिस में भी काफ़ी जंप है और क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर एक्सपेंस में जंप नज़र आती है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के सामान के रेट भी बढ़ते हुए नज़र आए हैं, एज वेल एज महंगाई भी बढ़ती हुई नज़र आई है, बट स्टिल कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर पेश किया है। और एक चीज़ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव में था और ये पॉजिटिव में था, क्या था ये चेंज, यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन द इन्वेंशन टू फिनिशिंग गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसमें भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया था, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें नजर आया है जो कि यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया, अदरवाइज ये और बढ़ता एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आता। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं सीधे, तो हम देखते हैं एनपीएटी कितना आया, तो अभी देख सकते हैं 2143 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है, जो लास्ट ईयर 1519 करोड़ था, और Q3 की बात करें 1921 करोड़ था। तो क्वार्टरली बेसिस एज वेल एज एनुअली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया, तो 2143 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि बाजार की एस्टिमेट को भी इन्होंने बीट कर दिया है ओके हर तरीके से। इस वजह से यहाँ पर मैं और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले ईपीएस देख लेते हैं। तो EPS यहाँ पर देख लीजिए Q3 में 8.18 रुपये का था, Q4 लास्ट ईयर 7.02 रुपये का था, और अभी की बात करें तो 9.12 रुपये का EPS चल रहा है, जो कि बताता है आपको कि कंपनी इज डूइंग अ ग्रेट बिजनेस ओके, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट। तो ये सारी की सारी बातें थी। तो देखिए रिजल्ट तो यहाँ पर टाइम पर ही आ गए थे, और अगर देखा जाए तो आज के दिन केवल इसने कंसोलिडेशन किया है, कल की डेट में अगर मार्केट भागता है, जैसे कि निफ्टी 50 आपको गिरता हुआ ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई दिया था, अगर कल की डेट मार्केट भागता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कल की डेट में ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर है वो देखिए वो अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक साल में इस कंपनी ने कोई प्रॉफिट का जनरेट नहीं किया है, 8-10% का आपको प्रॉफिट दिया है, बट मैंने आपको कुछ दिन पहले एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि ये जो शेयर है ये अगर आप या तो लॉन्ग टर्म के लिए रखें ओके, 5 साल के लिए रखें या 10 साल के लिए रखें, जैसे कि वॉरेन बफेट साहब कहते हैं ओके, यहाँ पर अगर इस तरीके से देखेंगे तो डिविडेंड तो देती है कंपनी, इसके अलावा 200% तक के रिटर्न भी यहाँ पर 5 साल में कंपनी देती हुई नजर आई है। बट अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं एक साल का, अगर जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ ऊपर आप बेचिए ओके, फिर जो नीचे आता है तो उसके हिसाब से खरीदिए, RSI को आप देखते रहिए, फिर ऊपर जाता है, इस तरीके से आप देखेंगे 30-35-40% के रिटर्न ये आपको जनरेट करता हुआ नजर आएगा, और आप अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बना सकते हैं अच्छी कंपनी में रहते हुए ओके, फंसने आप ऐसी कंपनी में कहीं फंसोगे भी नहीं, और अच्छा खासा आप पैसा बनाते हुए दिखोगे। इसके लिए यहाँ पर एक वीडियो है कैसे 1,00,000 रुपये से 800 करोड़ रुपये कमाए, तो इस वीडियो को देख लीजिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें आपको समझ में आ जाएगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दो तरीके से होती है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न हमेशा पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। RSI की बात करें 55 के RSI पे कंपनी चल रही है, तो अच्छे खासे टारगेट भी दिए गए हैं 2500-2600 रुपए के, तो कंपनी में आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और यहाँ पर 2500 रुपए तक तो ये जाता हुआ शेयर मुझे नजर आता ही है। एज वेल एज और भी कुछ बातें कर ले तो मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छी खासी है, लगभग 5,65,435 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। कंपनी डेट फ्री है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, आप देख ही चुके हैं, इसके प्रोडक्ट आपके घर में होंगे ही। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, यहाँ देख सकते हैं FIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, एज वेल एज DIIs के लगभग सेम ही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास केवल 12% की हिस्सेदारी है, बाकी सारी हिस्सेदारी अच्छे हाथों में है। तो ऐसी कंपनी में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें आपको ईयरली बेसिस अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2010 से लेकर 2021-22 साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 2,202 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, लगभग 8,000 करोड़ के प्रॉफिट में। और अगर बात करें कभी भी कंपनी आपको वो भी बोनस या स्प्लिट भी दे सकते हैं, यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें कंपनी के पास काफ़ी अच्छे रिजर्व्स भी है, 7,815 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है। 7,000 के नहीं है, यहाँ पर अगर हम देखूँ मैंने एक बीच में एक वीडियो बनाई थी, लगभग 6,500 करोड़ रुपए के रिजर्व्स थे, अगर एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है मेरे हिसाब से भी, मार्केट के हिसाब से भी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और लॉन्ग टर्म में इसमें साथ बने रख सकते हैं, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।